तुझे क्या खबर मेरी हमनवा, तुझे क्या पता क्या अज़ाब है, न गुजर सके न ही मिल सके मेरी जिंदगी वो शराब है। और हाँ, अगर तुम एज ए अटर्नी मेरे पास काम करना चाहती हो तो मोस्ट वेलकम, मैं तुम्हें 3,000 रुपया महीना दे दिया करूंगी। ए वैसे शब्बो, शादी के बाद तो शबाना मिर्ची हो जाएगी ना, हैं? कभी अच्छा ना बोलना, तुम्हें तो मेरे मिर्चू की हर चीज बुरी लगती है बस। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? जानती तक नहीं हूँ मैं तुम्हें, शक्ल देखी अपनी कभी आईने में? गिफ्ट लूंगी मैं तुमसे? गुंडे मवाली, पता नहीं क्या समझते अपने आप को, आना नहीं दोबारा मेरे सामने। मेरी जिंदगी वो शराब है। मैंने तो आज हद कर दी है, गर्मी में खड़ी होकर बेजार हो गई हूँ मैं। की 5 मिस्ड कॉल्स, हेलो मामू जी, मैं घर पहुंच गई हूं। आप पहुंच गए होंगे लेकिन मैं अब घर पहुंच गई हूं। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत खुश हूँ आज, बहुत 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 खुश हूँ। पता नहीं तुझे देख के मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। क्यों अम्मा? मुझे देख के तुम्हारा दिल बैठना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए, बाग बाग होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आज जो पल आया है ना, इस पल का मुझे बरसों से इंतजार था, बेचैनी से, बेकरारी से, बेताबी से। तूने वैसे रशीद मिर्ची को बता दिया ना कि तू तलाक याफ्ता है? क्या दीवारों के भी कान होते हैं अम्मा, चुप हो जाओ खुदा के लिए। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मेरी तलाक का जिक्र मत किया करो, लेकिन तुम मुझे सुनती नहीं। मेरी खुशी तो तुमसे बर्दाश्त कभी हुई नहीं है। जा रही हूँ मैं। तौबा, अपनी माँ ही दुश्मन है यहाँ तो। बुरा थोड़ी बोला मैंने, सच्ची तो कहा है, बताना चाहिए ना तलाक क्या होता है। अवे असन, कैसे? हाँ, क्या कह रहे? हाँ, आवाज नहीं आ रही। एक से होल्ड कर। हाँ सॉरी यार, वो मैं म्यूजिक सुन रहा था इसलिए तेरी आवाज नहीं आ रही थी। कहाँ है तू? अच्छा, ओ भाई मुझसे फौरन मिल, ऐसी खबर सुनानी है, तू सुनकर पागल हो जाएगा। कैसे से? हाँ बस ठीक है, ओके, बस फौरन मिल। हाँ ओके 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 बाय। हाँ सिर्फ बोलो। वाह भाई, आज तो दूसरी रिंग पे ही तुमने मेरी कॉल उठा ली, कहीं इस नाचीज को माफ तो नहीं कर दिया? ऐसी कोई बात नहीं, जब मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है तो मैं क्यों नाराज होऊंगी? कम ऑन एरम, जाने भी दो यार, आखिर तुम मेरी प्रॉब्लम समझ क्यों नहीं रही? मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ गई हूँ, ये बताओ कॉल क्यों की है? प्लीज एरम, उससे एक बार मिल, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मैं तुम्हें ये पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती और ना ही तुमसे कोई मैं ताल्लुक रखना चाहती हूँ। देख लो इरम, पछताओगी? पछताई तो रही हूँ। तो फिर ठीक है, अगर आज शाम को तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। मुझे धमकी दे रहे हो? अच्छा तो तुम्हें ये धमकी लग रही है, आज शाम को सब कुछ साबित हो जाए। मैं क्या करूं इस लड़की का, इरम को तो बिल्कुल चुप लग गई है।
मुझे उसे टाइम देना चाहिए। इस वक्त इरम को मेरी जरूरत है। कहीं इरम परेशान होकर ऐसी वैसी हरकत ना कर ले। अंबर जी, मैं घर जा रही हूँ, तुम जरा पार्लर का ध्यान रखना और सुनो अपने सामने लॉक करवा। ठीक है। मेरा दिल कर रहा है कि उस रशीद मिर्ची का सर फाड़ दूं मैं। एक मिनट बबली, रुक जाओ। तुम कब से पेंडोलम की तरह इधर उधर घूम रही हो? क्योंकि खून खौल रहा है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करे? जाहिर सी बात है, उस रशीद मिर्ची ने उड़ाई होगी ये बात। एक नंबर का बदमाश आदमी है वो। तो वो क्या समझ है? अगर उसने अब्बा की नौकरी लगवा दी तो बेटी मुफ्त में मिल जाएगी? कि मैं कोई मुफ्त का माल हूँ जिसका जो दिल चाहेगा मुझ पे धौंस जमाएगा? और वो लड़का एक नंबर का गधा, जब भी टकराता है कोई ना कोई काम उल्टा ही करके जाता है। लेकिन बबली, कम अज कम इस बार उसके टकराने से तुम्हें एक फायदा जरूर हुआ है कि उस मिर्ची दादा के प्रोपोगंडो का पता तो चल गया तुम्हें। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेकअप किट वो ही रखे गया? तो अब क्या करोगी? तुम देखना, जाकर उसके मुंह पे मारूंगी, ऐसा हशर करूंगी ना कि याद रखेगा। देखो बबली, मेरी बात सुनो, वो एक नंबर का बदमाश आदमी है, क्योंकि मसला ना हो जाए। अगर बदमाश होगा ना तो वो अपने जानता नहीं है मुझे, ऐसा हशर करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। वालेकुम सलाम। आप नाराज हैं ना मुझसे? तुमने बात ही ऐसी की थी शबाना, मेरी मासूम बच्ची के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम। नहीं जमीला बाजी, मैं क्या बताऊँ आपको, वो बस मुझे ना गलत फहमी हो गई थी। मैं शर्मिंदा हूँ दिल से, माफ कर दूँ। आपको पता है आज ना मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, क्या हुआ है? रिश्ता आया है मेरा, वो भी बहुत अच्छा। अच्छा, चलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और मुबारकबाद तो बनती भी है। आपको पता है उन लोगों को ना शादी की बहुत जल्दी है। चलो अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। आमीन। लेकिन देखें, सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, आपको ना मेरी मदद करनी होगी। शादी की सारी तैयारी आप करवाइएगा। आपको तो पता है ना जमीला बाजी, अम्मी की तबीयत इतनी खराब रहती है, वो तो कुछ भी नहीं कर सकेंगी। हाँ, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारी सारी तैयारी करवा दूंगी। और मेकअप तो मैं बबली से करवाऊंगी, और वो क्या बोलते हैं उसको, मेकअप से पहले जो दुल्हन करवाती है अब सर्विसेज, वो भी तुम्ही से करवाऊंगी। अब देखे ना, ये तो नसीबों की बात होती है। कहां तो बबली के रिश्ते आ रहे थे और शादी मेरी होने वाली है, और वो भी इतने बड़े घर में, इतना अच्छा रिश्ता, झटमंगी पटिया की बातें कर रहे हैं वो लोग। बस नसीब होता है, क्या कह सकते हैं, है ना? चलो अच्छी बात है बेटा, लड़कियों को जितना जल्द हो अपने घर को हो जाना चाहिए। मुझे कह रही है आप। अच्छा मैं आप जाती हूँ, शाम में आ रहे ना लड़के वाले। अच्छा अच्छा, तैयार भी तो होना है। हाँ, सही सही, जरूर। अम्मा चावल खत्म हो गए, अब्बा से बोल के ना वो मंगवा। अच्छा बस, ये दाल रख, मैं बाप से मंगवाती हूँ जरूर। बोर हो रही थी, मैंने सोचा कि आज अपनी बेटी को टाइम दूं, तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाई। मामा वो
चलो आज दोनों माँ बेटी बैठकर खूब बातें करेंगे। शाबाश, इरम को इसी तरह अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते रहो। सिर्फ आप लोगों की वजह से वो मुझसे अब तक नाराज है। तुम्हारी बहन की शादी भी करनी है, इतनी दौलत होने के बावजूद भी कोई रिश्ता नहीं आता, और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि उसके पागलपन का इलाज सिर्फ शादी है, और तुम्हारी शादी की शर्त भी सिर्फ यही है। आप लोगों को मुझसे कोई हमदर्दी नहीं, किसी को मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं है। तुम्हारी परवाह ना होती तो उस इरम को मैं इस घर में कभी ना लेकर आती। इसी तरह भी उसको समझाओ। वाह यार, यानी कि ये सब मेरी गलत फहमी थी। और वो बच्चा? अबे जब उसकी शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से आ गया? हो सकता है वो बच्चा उसका भांजा भतीजा हो। मतलब तुमने बिना सोचे खुद ही कहानी बना ली। भाई जो भी हो, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे दिल चाह रहे मैं चीख चीख कर बोलूं कि बबली सिर्फ मेरी है और उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो शुक्र कर वहां तेरी दाल नहीं गली, वरना अभी तू बैठकर खुदकुशी करने के 100 तरीके ढूंढ रहा होता। हाँ यार, वैसे ये तो तू सही कह रहा। मतलब बाकी सही कहते हैं यार, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। ये तो इंसान ना शुक्र होता है यार। बस अब मैं देर नहीं करूंगा, मैं फौरन आप ही को बोलूंगा कि बबली के घर रिश्ता लेकर जाए। लेकिन भाई उससे पहले मैं बबली से ना एक दफा बात करना चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ। क्या बात है यार, वाह क्या बात है मेरे यार की। भाई आपको तो पता है ना, सुकून आ गया। श्री जी, आपने ये शर्ट पहन ली? मैंने मेरा दिया हुआ तोहफा कबूल कर लिया। कौन सा तोहफा? ये शर्ट। ये शर्ट? हाँ। ये तुम्हें दी थी? आपने ये शर्ट पहन ली और मेरी मोहब्बत कबूल कर ली। जैसे मैंने आपका दिया हुआ ये तोहफा पहन लिया और कबूल कर ली आपकी मोहब्बत। आपको पता है मुझे आपका यही अंदाज तो भाग गया है। बहुत पसंद आती है मुझे आपकी ये अदा, ये प्यार जताने का अंदाज। बस अब नहीं जिया जाता एक पल भी आपके बिन, कसम से। और इसीलिए मैंने तो अम्मा को भी आपके बारे में बता दिया। वो मिलना चाहती हैं आज आपसे, बस मिल लें उनसे। क्यों मिलना चाहती है मुझसे? हाय रब्बा, एक तो आपकी ये बातें ना, बहुत मासूम है भाई, मैं कैसे बताऊं, खुद ही समझ लें। मिलना चाहती हैं वो, बात करना चाहती हैं आपके और मेरे रिश्ते के बारे में, शादी की बात। शादी? शबाना जी, ये किसने कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? ये जो बातें होती हैं ना, ये अक्सर निगाहों से कह दी जाती। अब देखिए ना, आपने मुझसे, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दूसरे के दिल का हाल हम यूं जान गए, है ना? और फिर ये लेटर, इस लेटर ने तो सभी कुछ बता दिया मुझे। जब से मैंने ये खत पढ़ा है, मैं तो ख्वाबों में भी सिर्फ आप ही को देखती हूँ। नींद उड़ा ली है इस खत ने मेरी। हाँ, ये खत आपके लिए? क्या मतलब, मेरे लिए नहीं है ये खत? मैंने किसी और के लिए लिखा था, परसों से प्यार करता, पर आज उसने व्यक्तिगत छोड़ दिया, रशीद बेटी को तोड़ के रख दिया। मजाक कर रहे हैं आप, ये नहीं हो सकता। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी उसे प्यार करता हूँ, ठीक है, मेरा प्यार उसे नजर क्यों नहीं आ रहा? शबाना जी, मैं मर जाऊंगा उसके आगे। कौन है वो बताएं मुझे, कौन है वो?
बबली। बबली? तेरी हो सकता। बबली? तुझे क्या शब्बो, क्या हुआ तुझे? अम्मा, एक बार फिर तेरी बेटी खाली हाथ रह गई, एक बार फिर बाप बिखर गया तेरी बेटी के। हुआ, हुआ क्या है? सुबह तो बहुत खुशी खुशी गई थी। खुशी खुशी गई थी ना अम्मा, कितने सारे सपने सजा के, ख्वाब सजा के सब टूट गए। एक बात बता मुझे, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे प्यार ना करे? मैं इस लाइफ में नहीं कि कोई मुझसे मोहब्बत ना करे क्या? अम्मा, क्या मैं अच्छी नहीं दिखती? खूबसूरत नहीं हूँ क्या मैं? उस बबली की तरह क्या मैं प्यारी नहीं हूँ अम्मा? बताओ तो सही, क्या कह दिया रशीद मिर्ची ने? उसने मेरे हक में धाका मारा है, मेरी खुशियां छीनी है उसने। क्यों किया उस बबली का है? उसे नहीं पता रशीद आज भी मेरा था? मैं रशीद को छीन नहीं दूंगी उसे। मेरे हक पे वो डाका नहीं डाल सकती। नहीं, तफा दू साफ साफ बोलना कि वो तुझे नहीं बबली को पसंद करता है। पर आगे पीछे तो वो तेरे फिरता था शब्बो। उसने हम दोनों को अपने लिए सीढ़ी बनाया, बेवकूफ बनाया उसने। तू तो इतनी होशियार चालाक बनती है, तुझे नहीं पता चला कि वो चाहता क्या है? नहीं अम्मा, अंदाजा ही नहीं हुआ। मुझे पागल बनाता रहा वो, और मुझे अंदाजा नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम उसे पल में पहचान गई और मैं नहीं पहचान सकी। वो खेलता रहा मुझसे, मैं नहीं पहचान सकी। अगर आप कहेंगे अब मजीद नहीं, अब मैं किसी को भी अपने हक को छीनने नहीं दूंगी, चाहे वो बबली क्यों ना हो। नहीं बबली, तुझे ऐसा नहीं करने देती। तूने क्या समझा जब वो की खुशियां छीन लेगी तो? मुझे पहचाना ही नहीं है। अब दिखाएगी शब्बू कि ये भोली थी, ये कुछ ना कहने वाली शब्बू करती क्या है? मेरी जिंदगी वो शराब है। मुझे आपकी दोस्त से ना मोहब्बत हो गई है, सच्ची मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैंने बबली से और रशीद मिर्ची से बदला ना लिया तो मेरा नाम भी शब्बो रहेगा। तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है और हम कल ही शादी करेंगे। 5 साल से बबली को चाहता आ रहा हूँ मैं। जिद है मेरी, हासिल करके रहूंगी आपको। आज मैं अपनी भी जान ले लूंगा और तुम्हें भी गोली मार दूंगा। मैं किससे कोई खत्म कर दूंगा।
तुम जैसे गुंडे मवाली से प्यार करने से बेहतर है कि मैं किसी और से प्यार करूं। शपो ने भी सोचा कि पुरानी मोहब्बत को भुलाने के लिए क्यों ना नई मोहब्बत कर ली जाए। पसे आईना भी शराब है, तुझे क्या खबर मेरी हमनवा, तुझे क्या पता क्या अज़ाब है। ना गुजर सके ना ही मिल सके मेरी जिंदगी।